इंजीनियर फक्स जा रहे हैं मैडम, कहाँ जा रहे इस हैं? कंपनी से जा रहे हैं। मुझे एक कार्टन लाने का कहा है अपना सामान रखने के लिए। अपना ज़ाती सामान इकट्ठा करके मेज़ पर ढेर कर लिया। आप जाके उनसे बात करें, इंजीनियर फख्र को जाने ना दें, वरना अगर वो गए तो कल आपकी बारी होगी, उसके बाद मेरी, अलबत्ता शायद पहले मेरी। तुम क्या कह रहे हो रुजमेर साहब? मैं कह रहा हूँ, अगर अभी इस लड़की से हार मान ली तो कल एक एक करके हम सबको यहाँ से जाना होगा। इंजीनियर के जाने का उससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है मैडम ताहरी, इंजीनियर फक की फरहमन से लड़ाई हुई है। मैंने किचन में उनकी आवाज़ें सुनी किस बात पे लड़ाई हुई है? आपकी वजह से। इंजीनियर फक चिल्ला रहे थे कि मैडम ताहरी यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है, तुम्हें उनके साथ इस तरह से बात करने का हक नहीं। फरहमन ने भी जवाब दिया, रूही साहब अगर न पहुंचते तो बात बिगड़ जाती। क्या करूं, कार्टन ले जाऊं उनके लिए? मांगा है तो ले जाओ। बहरहाल मैंने बता दिया। रुजमेर साहब, कोई बहाना बनाओ और कार्टों को देर से ले जाओ, उसे कुछ देर रोके रखो। अच्छा मैं उसे कहता हूं कि बाहर से जाके लाना पड़ेगा, ठीक हाँ है? ठीक है। मैं ज्यादा उनको रोक नहीं सकूंगा, जल्दी करें। ठीक है। हेलो यासमान बेटा, अस्सलाम वालेकुम, तुम ठीक हो? जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हो? ये क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखने आई हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। किस लिए? कोई खास वजह नहीं, फर्ज करो किसी और जगह काम करने का तजुर्बा हासिल करना चाहता हूँ। फरमान से लड़ाई हुई है। खबरें कितनी जल्दी पहुंच जाती हैं, तुम्हारे अब्बू ने इतला दिए? नहीं, हम बात नहीं करते। तो फिर किससे सुना और इतनी जल्दी यहाँ पहुंच गई तुम? क्या फर्क पड़ता है हुसैन, बताओ यहाँ हो क्या रहा है। हाँ, फरामन से लड़ाई हुई है, इसीलिए यहाँ से जा रहा हूँ। डैडी जानते हैं? यानी उन्होंने कहा है जाओ? नहीं, मैंने कहा कि अगर फरामन को नहीं निकालेंगे तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी को अपनी जगह फैसला करने की इजाजत नहीं दूंगा। एक तरह से उनका हक है। यानी तुम्हारे और फरमान के दरमियान उसका इंतखाब किया? इंजीनियर ने मेरे और अपने इख्तियारात के दरमियान अपने इख्तियारात का इंतखाब किया है। मैंने गलती की, मुझे तुम्हें आगे नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझे आगे नहीं किया यास्मीन। अगर समझती हो कि तुम्हारी बातों की वजह से मैंने फरमान से लड़ाई की है तो गलत समझ रही हो। मुझे आज पता चला ये लड़की बहुत बेअदब और मगरूर है। अगर तुम्हारे वालिद से कहा इस लड़की के साथ एक जगह काम नहीं कर सकता तो एक हकीकत है ये। अच्छा ठीक है, सब कुछ भूल जाओ और जाओ अपने काम पर। लगता है तुम समझनी है मेरी बात, मैं फरहमंद के साथ मजीद काम नहीं कर सकता। अगर किसी को यहाँ से जाना हुआ तो वो फरहमंद है, तुम नहीं। यासमीन क्या करना चाहती हो? जाके उस लड़की से कहना चाहती हूँ कि यहाँ से दफा हो जाए। यकीन मानो अगर फरामंद यहाँ से चली गई तब भी मैं इस कंपनी में मजीद काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी अना पर जर पड़ी है, तुम्हारे बाप ने मेरा दिल तोड़ा है। तुम्हें हक है। आओ बैठो प्लीज प्लीज। तुम्हारे वालिद अपने काम में डिक्टेटर इंसान है, यकीन रखो तुम चिकने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। फरमान के मसले का ताल्लुक काम से नहीं है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर ऐसा ही जैसा तुम कह रही हो। अगर इस लड़की के खाते चंद दिन से मुझसे बात नहीं करें, परसों उसके खाते मैडम ताहरी पर, जिसने एक उम्र इस कंपनी की खिदमत की है, चीखे चिल्लाए हैं, और अब तुम से जो उनके दामाद बनने वाले हो कहा है कि यहाँ से चले जाओ, ये सब उसको यहाँ रखने के लिए है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद तुम कहते हो कि बात का ताल्लुक काम और डैडी के मैनेजमेंट से है। पता नहीं तुम मान क्यों नहीं रहे हो कि डैडी उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ
کے چیخنے چلانے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، صرف اس باعث ہوگا کہ تمہارے ابو مزید ضد پکڑ لیں۔ کیا کروں، میں نے سارے راستے آزما لیے۔ انہیں ٹائم دو، شاید وقت کے ساتھ بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ سب کرنے سے کچھ حل نہیں ہوگا، صرف یہ ہوگا کہ ڈیڈی اس دلدل میں مزید پھنستے جائیں۔ شاید اگر کبھی اکیلے میں بیٹھ کر ان مسائل پر غور کریں گے تو خود ہی سب کچھ بدل دیں گے۔ قسم سے جب تک وہ خود اپنی غلطی کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تمہاری کوششیں بے فائدہ ہیں یاسمین۔ فی الحال خدا حافظ۔ یہاں سے مت جاؤ۔ فرمان کے لیے میدان خالی نہ کرو۔ یہ میرے لیے کام کا آفس ہے، میدان جنگ نہیں۔ خدا حافظ۔ یہ انجینئر صاحب کو دے دیں۔ اور جو رپورٹ میں نے دی ہے اس کے جدول ٹھیک کرنے کے بعد دستخط کے لیے انجینئر کو دے دیں، اس کے بعد ضرور کامرانی صاحب تک پہنچا دیں۔ جی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تشریف لائیے۔ یہ کیا ہے؟ انجینئر فخر نے کہا کہ یہ آپ کو دے دوں۔ کوئی اور کام ہے آپ کو؟ انجینئر فخر نے سامان سمیٹ اور آفس سے چلے گئے۔ میں جلد آ کے آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن جناب انجینئر روحی صاحب، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان تمام سالوں میں میری کوشش رہی کہ کمپنی کی ترقی کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں بروئے کر لاؤں، لیکن اب اور اس ناگوار احساس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کی باتوں کی وجہ سے مجھ میں پیدا ہوا ہے، کمپنی کے ساتھ کام جاری رکھنا میرے لیے ممکن نہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ میرا استعفیٰ قبول فرمائیں۔ زمیناً اگر آپ چاہیں تو میڈم یاسمین روحی اور آپ کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہمارے آفس کے امور سے الگ رہیں گے۔ آپ کی ترقی کا متمنی حسین فخر۔ معاف کیجیے گا انجینئر صاحب، میں جانتی ہوں ابھی آپ مصروف ہیں اور نہیں چاہتے کہ میں کچھ بھی کہوں، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کل سے آفس نہیں آؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ اس آفس میں یہ سارے جھگڑے اور یہ سارے پرابلمس میری وجہ سے ہیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں،
मेरे और इंजीनियर फखर के दरमियान मसले का आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर किसी से मैं बर्दाश्त नहीं होती, मुझे यकीन है कि हादसा फिर से पेश आएगा। यहाँ पर मैं जो भी कहती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, उसका एक मतलब निकाला जाता है। सब समझते हैं कि मेरा कोई खास मकसद है। मैं यहाँ से जाऊँगी तो सब कुछ दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। देखिए मैडम फरहमन, मैं आपको इस ऑफिस में लाया हूँ और दूसरों को भी ये बात माननी पड़ेगी कि मैं कभी भी अपनी कंपनी को इस तरह से नहीं चला सकता कि एक फर्द को नौकरी देने पर सबको सफाइयाँ पेश करूँ। लेकिन मेरा यहाँ रुकना आपके लिए मुश्किलात का बायस बन रहा है, मुझे जाने दीजिए। इत्तेफाक से अब तुम्हारे जाने से मेरे लिए मसला खड़ा होगा, चाहे मेरी बेटी यास्मान हो या इंजीनियर फख्र। किसी को भी इजाज़त नहीं है कि मेरी मैनेजमेंट के कामों में दखल दे। पता नहीं कोई इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। अब तो आपके यहाँ रहना मेरे लिए और अहम हो गया है। अगर आप जाएंगी तो कल कोई और आएगा आपकी जगह पर। मैं नहीं चाहती कि मैडम यास्मान और इंजीनियर का फख्र रिश्ता खत्म हो जाए। अगर यास्मान और इंजीनियर फख्र को एक दूसरे से शादी करनी है तो इस बात का कंपनी के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कोशिश की कि उनको ये बात समझा सकूँ। अब अगर इंजीनियर फख्र इन दो मसाइलों को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहते हैं तो इससे बेहतर है कि यास्मान से उनका रास्ता अलग हो जाए। बहरहाल मैं इस जुदाई का बायस नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने कहा ना, अगर उनमें अलहदगी होती है तो उसका बायस खुद इंजीनियर फख्र होगा, कोई और नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे खातिर परेशान हो। मैं परेशान नहीं होता, लेकिन इन पचड़ों में पड़ना भी नहीं चाहता और अपनी कंपनी का कंट्रोल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि मैडम अब पहले से ज़्यादा मुझे आपकी यहाँ पर ज़रूरत है, मुझे, क्योंकि आपके जाने का मतलब मेरी शिकस्त है। अब आप अपने काम पर जाइए, लेकिन इसके बाद कवानीन का ख्याल रखिएगा और तवज्जो दीजिएगा। मैं जानता हूँ कि छुट्टी की एक दरख्वास्त का ना लिखना इतने हंगामे का सबब नहीं बन सकता, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि किसी के हाथ बहाना ना लगे ताकि आप परेशान हों। जी अबूजान। वालेकुम सलाम बेटा, कहाँ हो तुम? अदालत की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है तो मैं मुंतजिर हूँ, आओ मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं अबूजान, जरूरत नहीं, मुझे लेने आओ, अकेले मत जाओ बेटा। अकेला नहीं हूँ, मेहरान भी साथ में है ना। अच्छा तो मेहरान के पास गाड़ी है ना, आ जाइए मैं भी साथ चलता हूँ। क्या कह रहे हैं अबूजान? मैं कुर्बान जाऊँ, मुझे आपका अदालत आना पसंद नहीं है। ठीक है तो मुझे बाखबर रखना। जी जरूर जरूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों उसने आपको जाने नहीं दिया साथ में? काश उसके साथ चले जाते, एक आदमी बड़ा हो उसके साथ में बेहतर है। ये क्या कह रही हो बेगम, मैं भी कोई बच्चा है अब। क्या बात है, परेशान हो? नहीं परेशान नहीं हूं। अगर फानी की वजह से परेशान हो तो बेफिक्र हो जाओ, कुछ भी नहीं कर सकता। मैडम असली को देखा? उनसे बात की? उसके आस पास वाले अफराद ने उसके कान इतने भर दिए कि मैं जो भी कहूँगा कोई फायदा नहीं है। अब वो सही कहते हैं, इंसान को खूब ध्यान रखना चाहिए ताकि गलत ना करे और ऐसे मसाइल से दोचार ना हो। तुम भी खुद ध्यान रखते, कम से कम मुझे बता देते कि क्या कर रहे हो तो परेशान ना होते, ये सब मसाइल ना होते अब तक। मैंने ये सब इसलिए किया है कि असली साहब को राज़ी कर सकूं। उनके सामने भरे हाथ रहे मेरे, लेकिन अब कसूरवार भी ठहरा। हाँ
چونکہ تم نے غلطی کی اس لیے قصوروار ٹھہرے۔ بھائی میں نے غلطی نہیں کی، میں مجبور تھا۔ اس کے باپ نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، تو اگر میں کہتا کہ میں یہی ہوں جو ہوں تو مجھے اپنے گھر میں بھی نہیں جانے دیتے، اس لیے میں ان کے تمام شروط ماننے پر مجبور ہوا۔ پہلے تو یہ کہ مہران، تمہیں ہر قسم کی شرط نہیں ماننی چاہیے تھی، اور اس سے بری بات یہ کہ اپنی شرط پوری کرنے کے لیے ہر قسم کا کام نہیں کرنا چاہیے تمہیں۔ اس طرح سے تو وہ مجھے رشتہ مانگنے کے لیے بھی نہ آنے دیتے۔ نہ دیتے تو کیا ہوتا، زیادہ سے زیادہ منتظر رہتے۔ اگر اس مدت میں نازائیں کسی اور سے شادی کر لیتی تو پھر تم جان لیتے کہ اصلی صاحبہ تم سے زیادہ گاڑی، گھر اور دولت سے محبت کرتی ہے۔ مہران میرے بھائی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے نازنین کی محبت صرف اسی حد تک ہے تو بہتر ہے کہ یہ تعلق ختم ہو جائے، یہی زیادہ بہتر ہوگا۔ جناب آپ اپنا موبائل دے دیجیے۔ مہران اپنا موبائل دے دو، یہ لیجیے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے۔ ادھر سے جانا ہے۔ کتنا انتظار کروں میں؟ تھوڑا انتظار کیجیے، انشاءاللہ ہو جائے گا بھی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مہدی فرامند ہے، یہ لیجیے۔ جناب کہہ رہے تھے کہ اس میں آپ کا لیٹر کیوں نہیں ہے؟ یا وہ کس نے دیا؟ ارے انہوں نے کہا کہ کام جلدی ہونے کے لیے، میں خود اسے آپ کے پاس لے کر آؤں۔ یہ کس نے کہا؟ میں نہیں جانتا، ایک خدا کے بندے نے کہا۔ سپاہی تو دے دیں، میں لے جاتا ہوں، وہ خود لے آئیں گے۔ سپاہی ششتری۔ جی سر۔ ان کے ساتھ جا کے دیکھو کہ کس نے یہ فائل دی ان کو۔ جناب وہ خدا کا بندہ چاہتا تھا کہ میرا کام جلدی ہو جائے۔ بس ہمارا بندہ ہے، خدا کا نہیں ہے۔ اور ہاں، کہاں سے معلوم ہو کہ اس سے کوئی سند گم نہیں ہوئی ہو؟ قسم سے میں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کھولا بھی نہیں۔ جب تک وہ فرد نہیں دکھاؤ گے جس نے یہ دیا ہے، تمہاری فائل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ چلیے جائیے۔ یہ لیجیے۔ آپ کی جگہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تشریف رکھیے، آپ کا مدعی ابھی نہیں آیا ہے۔ ہم باہر بیٹھ کے انتظار کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پلیز باہر جائیے۔ بھائی صاحب باہر چلیں۔ جناب ہمارا نمبر کب آئے گا؟ کب سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں؟ ابھی کورٹ کا ٹائم نہیں ہوا ہے جناب، آپ بیٹھ جائیے۔ مجھے یہ جج بالکل اچھا نہیں لگا۔ کتنی دفعہ کہوں یہ جج نہیں ہے، پروسیکیوٹر ہے۔ میری نظر میں چپراسی بھی نہیں ہے، پروسیکیوٹر کہاں سے ہو گیا؟ کیوں اچھا نہیں لگا؟ کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ پچھلی دفعہ بار بار فضول سوالات کر رہا تھا۔ اس کا کام ہی یہی ہے نا، اسے کیس کی فائل بنانی ہوتی ہے تاکہ جج کے لیے کیس پوری طرح واضح ہو جائے۔ اس کو پکڑنا ذرا۔ کیا ہوا؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ارے یار ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے۔ کچھ نہیں ہوا ہے، میرا پیسہ بھی کھا گیا ہے، اور اب مجھے الٹے سیدھے سوالوں کا جواب بھی دینا پڑ رہا ہے۔ تم بالکل فکر نہیں کرو، قانون کی روز سے تم حق بجانے ہو، تم نے قانونی قدم اٹھایا ہے، کس لیے پریشان ہو؟ پریشان نہیں ہوں، بچپن سے ہی کوٹ دیکھ کے طبیعت خراب ہو جاتی تھی۔ تو بچپن میں بھی کوٹ آتے رہے ہو؟ اندر تو نہیں، لیکن باہر سے ہی دیکھ کر بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ لرزنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لو، اس کیس میں سب کچھ تمہارے نفع میں ہے، آؤ چلے۔ مہران، مہران اے کیا کر رہے ہو؟ یہاں کا معاملہ ختم ہونے کے بعد تیرے ساتھ میرا کام شروع ہوگا۔ اوئے دھیان سے بولنا، کیا کہہ رہے ہو؟ لوگوں کا پیسہ بھی کھاتے ہو اور بدماشی بھی دکھاتے ہو، ہے نا؟ مہران تم خاموش رہو، تم خاموش رہو۔ فانی صاحب آپ کچھ نہ بولیں۔ ارے ایسے آگے آ رہا ہے جیسے سمجھتا ہے کہ میں اس سے ڈر جاؤں گا۔ اگر انسان حق پر ہو تو اسے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے فانی صاحب۔ ظاہر ہے کہ نہیں ڈر رہا ہے، کورٹ میں نہ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ کس سے پالا پڑا ہے ننے منے۔ مسئلہ حل ہونے دو پھر بتاتا ہوں ننا منا کون ہے۔ میں کتنا ڈر گیا، دیکھو میرا ہاتھ کتنا لرز رہا ہے۔
ए लड़के, अपने को कंट्रोल करो वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। फानी साहब, अदब का ख्याल रखिए, कोर्ट को फैसला करने दीजिए कि हम फ्रॉडी हैं या आप, जिसे सूदखोरी की आदत हो गई है। अरे जाओ, चलो सुलेमान। मेहरान, तुम खामोश रहो, खामोश रहो। आपने किसकी इजाज़त से इन साहिब की प्रॉपर्टी बेची है? मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेची जनाब। तो ये क्या है, इस प्रॉपर्टी के बिकने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? आपने तो कहा था कि इसको गुम कर चुके हैं। लगता है आपका बड़ा दिल चाहता था कि ये मुझसे गुम हो जाए। हाँ, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट पर ये दस्तखत आपके नहीं है? जी, हमने हाथ से एक कच्चा कागज़ लिख लिया था और तय पाया था कि उनके तमाम चेक पास हो जाने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस जाके प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूंगा, लेकिन उनका दूसरा चेक पास नहीं हुआ। लेकिन पहला चेक तो पास हो गया है ना? जी, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि मैं बाकी चेक की रकम अदा नहीं कर सकता। मैंने इनसे मोहलत मांगी ताकि रकम का इंतजाम कर सकूं, ना ये कि ये जाके प्रॉपर्टी किसी और को तेजी के साथ बेच दें। अरे बेगैरत, झूठे तुम्हें शर्म। खामोश रहो जनाब, बैठो अपनी जगह पर। झूठ बोल रहा है, उन्होंने खुद कहा कि प्रॉपर्टी को बेच दें, मेरी रकम वापस कर दें। अदालत के डिसिप्लिन का ख्याल रखे, कहां ना बैठ जाओ। माफ कीजिएगा सर, ये साहब बिगड़े हुए हैं, बाहर रास्ते में भी मेरे मुवक्किल को धमका रहे थे। मेरा अंदर बैठ जाओ। ज्यादा मुवक्किल मत करो, खुद को वकील कहते हो तुम? वो फ्रॉडी और तुम उसके शरीक हो। फ्रॉड तुम हो और तुम्हारा भाई भी। बंद करो अपना बड़ा सा मुंह। मेहरान, तुम बैठ जाओ ना। काशिफी साहब, बैठो। जज साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, माफ कीजिएगा, नौजवान है, जज्बाती हो गया। काशिफी साहब। जी सर। इस साहिब को बाहर। मुझे यहीं पर रहना है, बाहर नहीं जाऊंगा। या बाहर जाओ या अरेस्ट करवा दूंगा। चलो उठो, उठो, खुद के लिए मसाइल मत खड़े करो, उठो नहीं तो गिरफ्तार कर लेंगे। उठो, जल्दी उठो। देखो मेहरान, खुदा के लिए मामले को और ज्यादा ना खराब करो, जाओ बाहर आराम से बैठो, मैं भी आता हूँ। चलो 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 आओ। लड़के, ये बदमाशी दिखाने की जगह नहीं है, चुपचाप से यहाँ बैठे रहो, पुरसकून हो जाओ ताकि मामला आगे बढ़ सके। चुपचाप से बैठे रहना, हिलना नहीं है आपसे। ये लेटर पीस थर्ड फ्लोर पर ले जाइए। किस कमरे में? रूम नंबर 5। जी शुक्रिया। आप रूम नंबर 35 को जाइए। शुक्रिया। मेरे मुवक्किल ने इस प्रॉपर्टी के बेचने के लिए कोई ज़बानी या लिखी हुई इजाज़त नहीं दी। अगर फरहमान साहब ये दावा करते हैं तो उनको सबूत पेश करना होगा। जज साहब, इन्होंने खुद कहा कि मैं बाकी चेक पास नहीं करवा सकता, अब मैं वर्कशॉप बेच के उनका पैसा भी वापस कर दूं और ख़त्म हो जाए मामला। जी, मेरे मुवक्किल ने उनसे सिर्फ मोहलत मांगी थी। जी हाँ, हत्ता मैंने कहा कि रकम की अदायगी में देर होने का तावान भी भर दूंगा, कहा था ना? जी हाँ, उन्होंने पहले मुझसे मोहलत मांगी, लेकिन दूसरी दफ़ा मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब किताब में गड़बड़ हो गई है, फिर बहुत शोर शराबा किया, जनाब जल्दी इस वर्कशॉप भेज दीजिए, पैसा दीजिए। लेकिन फानी साहब को क्यों इस तरह के नुकसान कबूल करने चाहिए? क्योंकि प्रॉपर्टी की बाकी रकम नहीं दे सकते थे, खुद उनको भी इस रकम की ज़रूरत थी। मुझे याद है, मुझे धमकाया कि अगर मेरा पैसा नहीं दोगे तो बुरा देखोगे। तुम्हें इनमें से कुछ याद नहीं है? ये सब बातें झूठ हैं जज साहब। मैं झूठ बोल रहा हूँ या तुम? आराम से फरहमन साहब, ये अदालत है। मैं माजरा चाहता हूँ जनाब, माजरा चाहता हूँ, ये सब कुछ जानते हैं, ये सारा ड्रामा इसलिए रचा है कि मैंने उनको सूद नहीं दिया। सूद खुर तुम होगे कमीने। खामोश।
ये समझता है कि सिर्फ इसी को हलाल हराम की समझ है। फानी साहब, जब तक मैं न पूछूं खामोश रहिएगा, वरना अदालत के कमरे से निकाल दूंगा और दोनों से अलग अलग बात करूंगा। फरहमन साहब, जब इन्होंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट फसख करने का कहा, तो आपने उसी दिन ये बात कॉन्ट्रैक्ट के नीचे क्यों नहीं लिखी? जज साहब, मैं उसी टाइम जब उनको रकम देने जा रहा था उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट गुम हो गया है। आपके पास कोई और सबूत है जो साबित कर सके कि खुद फानी साहब ने वर्कशॉप भेजने की इजाज़त दी हो? नहीं जज साहब, लेकिन वही रकम जो मैंने उनके अकाउंट में डाली, ये साबित करती कि कॉन्ट्रैक्ट फस्ख होने पर राजी थे। फरहमन साहब, फानी साहब का दावा है कि आपने ये रकम उनकी इजाज़त के बगैर उनके अकाउंट में डाली है। मैंने आपको बताया बगैर रकम आपके हिसाब में जमा करवाई। जी, उस दिन ये और इनका भाई जिसे आपने बाहर करवाया है, एक चेक उठाकर मेरे पास ऑफिस में लेकर आए और कहा कि ये वो 200 मिलियन है जो मैंने आपसे लिए थे, जाके कैश कराएं और सौदे को फस्ख समझे। मैंने जितनी इल्तिजाएं की कि मुझे थोड़ा और वक्त दे दे, लेकिन ये नहीं माने। आखिरकार मैंने चेक इनके सामने फेंका और कहा कि मैं इसे कैश नहीं कराऊंगा और सौदा अपनी जगह पर बाकी रहेगा। यही बात हुई थी। खुदा की कसम ये झूठ बोल रहे हैं, खुदा की कसम झूठ बोल रहे हैं ये। अगर खुद इन्होंने कहा था कि रकम वापस करें और मामला फस्ख करें, तो इन्होंने आपसे चेक क्यों नहीं लिया और आपने उनके अकाउंट में क्यों रकम डाली? क्योंकि मेरे भाई का चेक अगले दिन के लिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आज मेरे अकाउंट में रकम नहीं डाली गई तो उनका चेक बाउंस हो जाएगा। उन्होंने खुद मुझसे दरख्वास्त की कि मैं जाके रकम डाल दूं। आपने उनको उसी तारीख का चेक क्यों नहीं दिया? जैसा मेरी चेक बुक खत्म हो गई थी, इसीलिए मैंने छोटे भाई की चेक ली। जनाब, ये सारी बातें झूठ हैं। जज साहब, कसम से उन्होंने खुद मुझे मजबूर किया कि जाके ये रकम उनके अकाउंट में डाल दो। मेरे पास उनके अकाउंट नंबर भी नहीं था, खुद उन्होंने दिया। क्या आप अपनी तरफ से झूठे किस्से बना रहे फरहमन साहब? कहा ना, जब तक आपसे कुछ ना पूछूं आप खामोश रहिए। तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि ये एक तरफा तौर पर जज के पास आए? खामोश रहो फरहाद, माफ कीजिएगा सर। आप इनसे क्यों सनद लिए बगैर इनके अकाउंट में रकम डालने पर तैयार हुए? खुदा की कसम, उस वक्त भी मैंने उनसे यही कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि रकम डालने की रसीद खुद एक सबूत है, ये लीजिए। ये रसीद सिर्फ ये साबित करती है कि आपने उनके अकाउंट में रकम डाली है, लेकिन ये साबित नहीं करती कि ये रकम उनकी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट के फसख होने की बाबत है। अरे, मुझ पर तो उनका कोई और कर्जा नहीं था, तो आप फरमाइए कि मैंने ये रकम किस लिए उनके अकाउंट में डाली होगी, आप बताइए। चालाकी और धोखाधही के लिए, इसलिए कि अब यहाँ के कह सको कि फानी ने खुद कहा था कि इस जगह को बेचो और ये रकम भी वापस ले लिए। तुम बात नहीं करो, माफ कीजिएगा सर। आपने सुन तो लिया, ये कह रहे हैं कि चूंकि इस कंट्रे के फसख होने पर राजी नहीं थे, इसलिए आपसे चेक नहीं लिया और आपने अपनी मर्जी से जाकर उनके हिसाब में रकम डाली ताकि ये कुछ ना कर सके। खुदा की कसम झूठ बोल रहे हैं जज साहब, इन्होंने मेरे खिलाफ मंसूबा बनाया है। अब मैं समझ रहा हूँ कि ये सारा खेल इसलिए था कि मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। खुदा की कसम, मुझे अपनी इकलौती बच्ची की कसम की झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर कसम खाने की हो रही है तो हम भी अपने बच्चे की कसम खा सकते हैं, हमारे तो दो दो हैं। फानी साहब, अगर इसके बाद बीच में कूदे या केस के दौरान पूछगछ के प्रोसेस में खलल अंदाजी की, तो कमरे से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जज साहब, उसी दिन जब मैं उनके ऑफिस में गया था और उनको अपने भाई का चेक दिया, ये नहीं माने और कहने लगे कि रकम मेरे अकाउंट में डाल दो। मामले के बाकी तमाम चेक भी उन्होंने मुझसे ले लिए। अब आप बताएं, अगर ये साहब मामले के फंस होने पर राजी नहीं थे तो मुझसे अपने चेक क्यों इन्होंने वापस ले लिया, क्या वजह थी बताइए। खामोश क्यों हो फानी साहब? जवाब देने की इजाज़त है? आपने खुद फरमाया था कि जब तक मैं ना पूछूं आप बात ना करें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को फस करना नहीं चाहते थे तो अपने चेक क्यों इनसे वापस लिए? कहां वापस लिए, ये सब बातें इसके बनाए हुए किस्से और झूठ हैं। मैंने इनसे कोई चेक नहीं लिए। अरे 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 अरे, अरे ये कितना झूठ बोल रहा है जज साहब। मैं अब समझ रहा हूँ कि इसने पूरा मंसूबा बनाया है, ये आप सब झूठ बोल रहा है जनाब। ये बिल्कुल मुझे अदालत तक खींचने के लिए उसने ये सब किया था। फरहमान साहब, तौहीन मत कीजिए। मैं बेचारा अपना हक नहीं ले सकता तो तुम जैसे 420 से भत्ता क्या लूंगा? ये साहब चंद दिन बाद मेरे पास आए और कहने लगे कि जितने दिन मेरा पैसा तुम्हारे हाथ पे रहा उसका मुझे कमीशन दे दो। मुझसे 200 मिलियन सूद मांग रहे थे, लेकिन मैं नहीं माना और कहा कि मैं ये पैसा नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे धमकी दी और कहा कि तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करूंगा। ये रही वही मुसीबत। जज साहब, ये मुसलसल मेरे मुवक्किल के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जिनमें से किसी बात का सबूत नहीं है, लेकिन फानी साहब के तमाम दावों के लिए सबूत मौजूद हैं। आपको कॉन्ट्रैक्ट के फस करने और इन चेकों को वापस करने के लिए इनसे लिखा हुआ सनद लेना चाहिए था। तो आपने इनकी बातों पर यकीन कर लिया उस दिन जब उन्होंने आपसे कहा कि वर्कशॉप बेच दो और रकम वापस कर दो? जज साहब, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी।
ये सब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, मजलूम नुमाई कर रहे हैं ताकि आपको धोखा दे सके। मैंने आपसे कुछ पूछा है क्या? अरे यही तो बुरा है, आप सिर्फ इनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, हालांकि मैं भी मुद्दई हूँ। फानी साहब, मैंने पिछली मीटिंग में आपकी बातें सुनी, अगर जरूरत हुई तो दोबारा आपसे पूछ लूंगा। तुम कुछ मत बोलो ना। जिस दिन का आप कह रहे हैं कि इन्होंने वर्कशॉप बेचने की इजाजत दी, वहाँ पर कोई गवाह था जो इस बात की गवाही दे सके? जी हाँ, मेरा भाई था। आपने मुलाहजा फरमाया ना कि उसने वही समाज के इब्तदा में कहा कि उन्होंने खुद हमें वर्कशॉप बेचने और उनकी रकम देने की बात कही। किसी ने लोमड़ी से पूछा कि तुम्हारा गवाह कौन है, उसने कहा कि मेरी दुम। अब समझ में आया कि जनाब अपने भाई को अपने साथ किस लिए लाए हैं, ताकि वो उनकी झूठी बातों की तस्दीक करे। फानी साहब, आप चुप बैठिएगा या नहीं, माफ कीजिएगा। चूंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे पहले दर्जे का रिश्तेदार है, तो इनकी गवाही अदालत के लिए काबिल कबूल नहीं है। क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और सबूत है? नहीं, मुझे कहाँ से मालूम था कि ये साहब तमाम वादों और अपनी बातों से मुकर जाएंगे और हमारे खिलाफ मंसूबा बनाएंगे, वरना मैं 10 अफराद को गवाह के तौर पर। तुम्हारे पास कोई सबूत है कि फानी साहब की इजाज़त से और इस कंट्रैक्ट के फस्ख के बाबत आपने ये रकम डाली है? नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा था कि यही रसीद जो आपके हाथ में है ये खुद सबूत है। जी, अफसोस के आप जैसे अफराद के मैं समझ रहा था और मैं नहीं जानता था, जैसी बातों की वजह से इस वक्त हमारे पास लाखों केसेस हमारे सामने पड़े हुए हैं। इनमें से एक यही माल का केस है जो मेरे सामने पड़ा हुआ है। देखिए फरहमन साहब, आपके तसव्वुरात के बरक्स अगरचे ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से लिखा गया है, लेकिन पूरी तरह से मोतबर है। और चूंकि फाइल में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि खुद मुद्दई ने कॉन्ट्रैक्ट फस्ख की है और आपको फस्ख करने की इजाज़त दी है, तो आप दूसरों की प्रॉपर्टी बेचने के इल्ज़ाम में अगली पेशी तक हवालात में रहेंगे। ये क्या है? कुछ नहीं, तुम बेफिक्र। हथकड़ी क्यों लगाई है? कहाँ ले जा रहे हैं? साइड से हट जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो। आखिर क्यों? हमें नहीं मालूम, जाओ वहाँ से पूछो। मेहरान, डरो नहीं, हल हो जाएगा सब। जज साहब ने हथकड़ी लगाने को कहा है। चलिए साहब, मेहरान, मेहरान। अब बताओ पहलवान। ओए लड़के, ओए कहाँ कहाँ जा रहे हो? इंसाफ इसको कहते हैं, कानून धोखेबाजों के साथ है। अरे लड़के, समझ में नहीं आता कितनी बदमाशी करोगे यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। लगता है जेल की हवा खाने का शौक पैदा हो गया यहाँ। हाँ, अगर मेरे भाई को बेगुनाह जेल में डालते हो तो बेहतर मुझे भी डाल दो। वो मुमकिन है बेगुनाह हो, और अगर हुए तो आखिरकार पता चल जाएगा, लेकिन ये जो तुम काम कर रहे हो ये जुर्म है। जब आप जानते हैं कि बेगुनाह है तो हथकड़ी क्यों लगवाई है? मैंने कहा कि मुमकिन है बेगुनाह हो। खुदा की कसम बेगुनाह है। अगर बेगुनाह हुए भी तो तुम्हारे शोर मचाने और जबरदस्ती करने से उनकी बेगुनाही साबित नहीं हो सकती। काशिफी साहब, आप बाहर जाएं, दरवाजा बंद करें। जी सर।
देखो, मैंने अभी तुम्हारे भाई के बारे में फैसला नहीं सुना है, सिर्फ केस का जायजा लिया है ताकि देख सकूं कि तुम्हारे भाई के खिलाफ दावा सही है कि नहीं। सही नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा था कि प्रॉपर्टी बेच दे और मेरा पैसा वापस दे। तुम्हारा भाई फिलहाल मुलजिम है, मुजरिम नहीं। खती फैसला केस का जज सुनाएगा। मैंने सिर्फ अगली पेशी तक उसकी जमानत की रकम का तयन किया है। अगर मेरे अबू को पता चल गया तो अटैक हो जाएगा। मैं इस केस में जमानत के लिए 2 अरब तोमान तक लिख सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ 1 अरब लिखा है और इससे कम का इम्कान नहीं है। इनकी जेल का आर्डर भी अपने पास रोक लिया है, हुक्म दिया है कि उन्हें यही हमारी अपनी हवालात में रखा जाए। तुम जानते हो कि कानून हम उनको चंद दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकते। तुम अपने भाई की मदद करना चाहते हो तो जाओ, जमानत के पीछे जाओ। एक अच्छे से वकील का इंतज़ाम भी करो। केस में सब कुछ तुम्हारे भाई के ख़िलाफ़ है, उनका बरी होना नहायत मुश्किल है। वकील का इंतज़ाम ज़रूर करें। आपका क्या काम है? लाइए मुझे दीजिए, मैं अंजाम दे देता हूँ। क्या काम है आपका? बेटा पेपर लाई हूँ, फोटोकॉपी ही नहीं लाई हूँ बस। मेरे भाई को कहाँ ले गए? हवालात में। कहाँ है? बेटा इसकी फोटोकॉपी ले लोगे मेरे लिए? कोई बात नहीं है, आप जाकर एक कोने में बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। हवालात कहाँ है? शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। तय खाने में है, लेकिन वहाँ तुम्हें नहीं जाने देंगे। मेहदी, मेहदी, भैया क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझे बताया गया मेरे भाई को यहाँ लाएं। ये हवालात है, ऐसे मुलाकात नहीं होनी चाहिए। चलो निकलो बाहर। मेरे भाई मुझ पर एक एहसान कर दो, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए भाई से मिलना चाहता हूँ। भाई नहीं हो सकता, मुझे इस काम की इजाज़त नहीं है। चलो निकलो बाहर। खुदा के वास्ते। जनाब जल्दी से बात करके तमाम करें ताकि मेरे लिए कोई मसला न खड़ा हो। जी बिल्कुल। अरे तुमने ये कैसा चेहरा बना रखा है? मैं इस फानी को मार डालूंगा। ओ मेरे भाई, अगर यहाँ भाई के पास आके मारने और कत्ल करने का मंसूबा बनाना चाहते हो तो बाहर निकलो। चलो निकलो, चलो निकलो बाहर। ऐसी बात मत करो। नहीं नहीं, बस गुस्से में है, ऐसे मुंह से एक बात कह गए। नहीं नहीं, मैं भी जानता हूँ, मजाक कर रहा था मैं भी। बेगैरत इंसान है मेहरान, तुम उसके पीछे मत पड़ जाना। फानी तो अब यही चाहता है कि तुम उससे लड़ पड़ो और उस पर हाथ उठाओ ताकि वो अदालत में साबित कर दे के और उसका केस मजबूत हो जाए। मेहरान वादा करो कि काम को और खराब नहीं करोगे, ठीक है? और हाँ, इस चेहरे के साथ घर मत जाना वरना सब डर जाएंगे देख के।
जैसे भी जाऊं उनको पता चलेगा कि आप जेल में हैं तो डर जाएंगे। क्यों, ये जेल है क्या? देख तो रहे हो ना। सच कह रहे हो, मैं भी ड्यूटी के बाद यहाँ आके सो जाता हूँ, बड़ा मजा आता है। उनसे मत कहना कि जेल हो गई है, कह देना कि कोर्ट ने रोक रखा है, जब जमानत होगी तो उसके बाद छोड़ेंगे। अकाउंट में कितने पैसे हैं? 100 मिलियन। पैसे वाले हो, ये बहुत कम है। परेशान ना हो, इंतजाम कर लूंगा। बाहर ला के रहूंगा। मोबाइल याद से लेते जाना अपने साथ। मेरे भाई, ऊपर जाके कह मत देना कि मुलाकात कर सके भाई से, कह देना कि बहुत इल्तिजा की, बहुत इसरार किया, लेकिन लुत्फ ने मिलने नहीं दिया। ठीक है। अरे खाली खुली शुक्रिया अदा कर देते तो बुरा नहीं हो जाता भाई। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, माफ करना, बहुत मेहरबानी की। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात। खूब इबरत मिली उन लोगों को, समझ रहे थे कि जंगल में रह रहे हैं। क्या बात है, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। सब कुछ ठीक है ना? मेरा मतलब है सब कुछ हमारे फायदे में है ना? हमारे सुबोधों में कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। मतलब असल पेशे में भी जाएंगे ना, है ना? हैं? हाँ 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 हाँ। देखो वैसे ये दोनों गुनहगार नहीं है, खास करके वो बड़ा भाई मेहदी। बहुत बहुत शुक्रिया, यानी हम ही गुनहगार हैं, है ना? नहीं, मेरा मतलब ये है कि झूठे नहीं लग रहे हैं वो लोग, क्योंकि अपना काम खूब जानते हैं, उनको पता है कि इस तरह से झूठ बोलना है कि सच नजर आए। फरहाद, क्या तुमने अदालत में जो बातें की वो सब सच है? ये देखो, बादशाह मान गए, वजीर नहीं मान रहे हैं, जज को हमारी बात पर यकीन आ गया, हमारे वकील हमारी बातों पर शक कर रहे हैं। वाह, सच थी? हाँ, साफ जाहिर है कि सच ही थी। फरहमान ने अपनी बच्ची की कसम खाई है, अगर प्रोसिक्यूटर तुमसे कहता तो तुम भी कसम खाते? मैंने तो वहीं पर कह दिया था कि अगर कसम खाने की बात है तो मैं भी कसम खा सकता हूँ। तो इस वक्त अपने बच्चों की कसम खाओ ना। यानी तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? तो कसम नहीं खाओगे? मेरे भाई, मुझे अपने बच्चों की कसम। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मैं अगली पेशे पर तन्हा आ जाऊंगा, आप कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, दिल पे मत लो तुम, यकीन कर लेता हूँ, माफी चाहता हूँ। तुम्हारे जैसा वकील हो तो मुद्दई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माफ कर दो ना, माफ करो। कसम से बहुत अच्छा ड्रामा रचाया है उन्होंने। कभी कभी सोचता हूँ 100 साल भी इस काम में तजर्बा हासिल करो तब भी ऐसे अफराद होंगे तुम्हें बासानी धोखा दे सकेंगे। कसम से जज का काम बहुत सख्त होता है।